प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन उससे पहले हम पहली खबर, पहली बहस पर ही जाएंगे। और बड़ी खबर यही है कि लगातार मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बातें चलती रही है। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद एक बार फिर राजनीतिक घमासान तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। इस बीच ओबीसी आरक्षण मामले पर 3 जनवरी 2022 को सुनाई हो सकती। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। सवाल उम्मीदवारों के खर्चे को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों के नामांकन के साथ जमानत राशि वापस करने की व्यवस्था दी है। चुनाव निरस्त होने के बाद अब पूरा फोकस ओबीसी को आरक्षण दिलाने पर होगा। आने वाले दिनों में कानूनी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर किस तरह की राजनीतिक घमासान होगा, पहली खबर पहली बहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे सुन लेते हैं कि क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह का, जो ओबीसी मुद्दे को लेकर लगातार बने हुए सरकार की तरफ से जो भी हो सकता वो किया जा रहा, साथ ही कांग्रेस का इस पर क्या आरोप है, सुन लीजिए दोनों। मुझे आशय होता है कि निरस्त करने के बाद उन लोगों का क्या होगा जिनके पैसे खर्च हो चुके हैं, जो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लाखों लोगों के लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? और निश्चित रूप से पिछले वर्ग के आरक्षण के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको लेकर कौन न्याय करवाएगा? सारी चीजों से साफ लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है। जबकि मेरा यह कहना है कि इसको जब चूंकि 2014 का आरक्षण का मामला खत्म हो चुका है, तब यथास्थिति 2019 की बनती है। कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो परिसीमन कराया था, जो आरक्षण कराया था, जो पंचायत का गठन किया था, उसका अस्तित्व वापस आज की तारीख में अस्तित्व में आ चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव कराए और 2019 की यथास्थिति के आधार पर चुनाव कराए। अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं गई होती तो ये ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं होता, और इसलिए कांग्रेस के पाप के कारण मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनी है और इसके परिणाम कांग्रेस को आने वाले समय में भुगतना पड़ेंगे। ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव हो, ओबीसी को आरक्षण मिले ये व्यवस्था, इसके निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे, इन सब बातों को लेकर रिट लगी हुई है। तो चलिए, बात हो रही है जैसा भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पाप के कारण ये सब हुआ है, लेकिन पाप का मतलब क्या होता है, कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही अब चुनाव होंगे, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया। 17 दिसंबर के एससी के आदेश के मुताबिक बात हुई और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के बाद अब चुनाव होंगे जैसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गबली बनाम महाराष्ट्र सरकार केस का जिक्र किया था और उसी के आधार पर बातें आगे बढ़ी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। मनमोहन नागर की याचिका पर एससी ने 17 दिसंबर को सुनवाई की थी और 6 महीने के भीतर अब चुनाव होने की संभावना है, ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है, साथ ही भूपेंद्र सिंह। तो लगातार हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब सबकी निगाहें रहेंगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा और राजनीतिक जो घमासान है वो अब थमेगा या और बढ़ेगा, नजरें इस पर भी रहेगी क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में संकल्प लेकर आए, उसके बाद अध्यादेश वापस लिया और फिर राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी चीजें थी तो उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ी और राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर इसमें तय किया कि चुनाव निरस्त किया जाए तमाम आधार मानकर। चलिए, हम समझेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर आगे क्या होगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, और दिनेश गुप्ता सर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले दिनेश सर से बात करूंगा। सर, अब क्या होगा, क्योंकि स्थिति तो साफ है, हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि चुनाव तो निरस्त करना ही पड़ेगा अध्यादेश वापस लिए जाने के बाद, क्योंकि स्थिति 2019 की तरह हो गई,
लेकिन भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 3 तारीख को सुनवाई होना है, कितने खिंचेंगे अब चुनाव, कब तक उम्मीदें की जा सकती है, क्या लंबा इंतजार करना पड़ेगा? मनोज जी, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या रुख होता है, उसका वो कितने दिन चलता है, सरकार ने जिस तरह से अपनी मंशा जाहिर की है कि वो बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे जी, तो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, रातों रात फैसला नहीं होता, क्योंकि जो विषय है वो संवैधानिक विषय है और संवैधानिक विषय पर फैसला आने में समय लगता है, डे टू डे सुनवाई तो होगी नहीं। हमने देखा था जैसे प्रमोशन में आरक्षण का मसला है, वो कितने सालों से लंबित पड़ा हुआ है, अभी तक उस पर कोई फैसला आया नहीं है, इसलिए राज्य में प्रमोशन भी बंद है। अब यदि ओबीसी आरक्षण का इशू आया तो फिर राज्य में चुनाव भी बंद हो जाएंगे, तो ये जो चीजें हैं ये एंडलेस होती है, इसके बारे में हम कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि तो जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जो है चुनाव निरस्त किए हैं वो है उस अध्यादेश का जीवित होना, जिसे नवंबर में सरकार ने जारी किया था और जिसको उन्होंने जो परिसीमन था 1 साल के भीतर यदि चुनाव नहीं होते वो निरस्त कर दिया था। अब परिसीमन होगा, परिसीमन पहले भी हो चुका था, केवल आरक्षण रह गया था जिला पंचायत स्तर का, तो वो आरक्षण की प्रक्रिया अब आगे पड़ेगी, परिसीमन के अनुसार जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो भी उसको रिवाइव करना पड़ेगी। ये सब स्थितियां तब हैं जब अपन आप कोई किंतु शब्द का उपयोग नहीं करें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जी। तो जो कुछ भी है वो कोर्ट के रूप पर निर्भर करता है और अब तो उसमें केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई है, तो ये 6 महीने या साल भर का विषय जो है मुझे लगता नहीं है कि है, वो कितना लंबा खींचता है या कितनी जल्दी सरकार इसको निपटाती है, ये तो देश की जहां भी ओबीसी आरक्षण है उनकी राज्य सरकारों के रुख पर निर्भर करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसीलिए अब स्थितियां अलग है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने भी इसमें नजर आ रहे हैं। मेरे साथ जितेंद्र जी जुड़े हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस का क्या रुख होगा, जैसा साफ है अब कि निर्वाचन तो निरस्त हो गए, चुनाव होंगे नहीं मध्य प्रदेश में पंचायत के, अब कब होंगे ये भी तय नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग ये जरूर कह रहा था कि 6 महीने कम से कम इसमें लग सकते हैं, प्रक्रिया का हिस्सा है, पर इससे पहले हम चुनाव करा लेंगे, क्योंकि उन्होंने 17 दिसंबर का जिक्र किया है जिस याचिका के कारण ये बात आगे बढ़ी है, आरोप ये भी लगे कि कांग्रेस के कारण ये सब हुआ, लेकिन अब कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, कांग्रेस क्या करने वाली है? नहीं देखिए मनोज जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊं कि ये जो आज परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि कभी कभी विपक्ष की बात भी मान लेना चाहिए, लेकिन सरकार का जहां जहां अहंकार आड़े आ जाता है वहां पर प्रदेश को भुगतना पड़ता है, और आज आपने देखा प्रदेश के 8 करोड़ जनता को इसके नुकसान भुगतना पड़ रहा है इस पंचायत चुनाव के, जिसमें कि आज विकेंद्रीकरण होता सत्ता का, जिसमें आज वो जनप्रतिनिधि पावर में आते जो अपने गांव का अपने क्षेत्र का विकास करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अहंकार की बलि चढ़ गए वो लोग। आप ये देखिए देखिए हम पहले दिन से मनोज जी कहते रहे कि ये चुनाव खामियों के साथ, त्रुटियों के साथ, कमियों के साथ कराया जा रहा है, जिसको लेकर के कोई भी पक्ष कहीं भी चैलेंज कर सकता है। सरकार की भी मंशा यही समझ में आई कि कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही थी चुनाव स्थगित हो जाए तो हमारे सर से भार उतर जाए, हम ये कह सके कि साहब हम तो चुनाव कराना चाह रहे थे। आपने देखा बात परिसीमन की जाए, परिसीमन अधूरा। आप ये देखिए कि दूसरी जो प्रक्रियाएं थी उसको नहीं पालन किया गया, जिसकी वजह से चुनाव स्थगित हुए। इसमें अब सारा का सारा ठीकरा विपक्ष और कांग्रेस के सर पर डाल दिया। आप ये बताइए कि आज आपका डर सामने आया कि नहीं आया, कांग्रेस के वो सवाल कोर्ट के माध्यम से पुष्टि हुई कि नहीं, मनोज जी एक चीज। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि आपने विधेयक वापस लेकर के ये भी बता दिया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आरोप जो थे वो सही आरोप थे, आप गलत थे जब भी आपको इसको वापस लेना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि आज आपके अंदर डर मनोज जी ये था सरकार के अंदर कि कहीं ना कहीं 2022 के बाद जो 18 साल का मतदाता होगा वो, चूंकि उसको रोजगार नहीं है, उसको महंगाई से त्रस्त है, वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ वोट डाल देगा, इसलिए आनन फानन में आपने सोचा कि अगर कराना ही पड़ेगा तो इसमें करा लिया जाए, और नहीं तो हम स्टे हो जाएगा तो साल 6 महीने की बेफिक्री हो जाएगी, ये सोच करके आपने।
बनाया। अब क्या हुआ जितेंद्र जी, लेकिन आप क्या करेंगे, कांग्रेस इसमें क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं मनोज जी कि चुनाव कराए, जल्द से जल्द कराया जाए। हमने ये भी कहा था कि हम कोर्ट जाएंगे अगर आपने आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया ओबीसी को लेकर के, अगर आपने चुनाव में लेट लतीफी करने का प्रयास किया। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संकल्प पास हुआ विधानसभा के अंदर और ये कार्रवाई हुई। अब चूंकि 2019 का अध्यादेश निरस्त हो चुका है तो निश्चित तौर पर 2014 के अध्यादेश के अनुसार आपको काम कराना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए। चलिए, हमारी पहली मांग रहेगी। सनवर पटेल मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सनवर जी, स्थितियां सबके सामने हैं और अब जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, जैसा भूपेन्द्र सिंह जी कहे। आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हेलो सनवर जी, सनवर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? सनवर भाई, हाँ जी, मेरी आवाज आपको मिल रही ना? जी आ रही है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि चुनाव तो निरस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही कि ओबीसी के बिना अब आगे नहीं होंगे, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? और जैसा भूपेन जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, केंद्र सरकार भी गई है, लोगों को और कितना इंतजार चुनाव के लिए करना पड़ेगा? हाँ देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव निरस्त हुए हैं, ये चुनाव पूरे कांग्रेस की कारस्तानी के कारण से निरस्त हुए हैं। कांग्रेस ने शुरू से ही नहीं चाहा कि यह चुनाव हो और कांग्रेस ने जब इसमें लगातार विघ्न पैदा करने का काम किया। अब देखिए, जब चुनाव आज जिन कारण से निरस्त हुए हैं वो कारण चूंकि पिछड़ा वर्ग को छोड़कर चुनाव हो रहे थे, तो इस चुनाव इस हालत में चुनाव को निरस्त होना स्वागत योग्य है। अब मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द हम इन चुनाव को फिर से कराएं और मध्य प्रदेश में सत्ता का विकेंद्रीकरण की जो भूमिका है वो नीचे तक पहुंचे और लोग नीचे तक जाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लड़े और आकर मध्य प्रदेश में नीचे तक सुशासन की स्थापना लगातार जारी रहे। अब रही बात की कब तक होंगे, तो यह विधिक मामला है, जैसा आपने अभी सुना है और आपने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होना है तो उसी के आधार पर, जो 19 तारीख का भी फैसला हुआ था, उस 19 तारीख के फैसले के आधार पर उसको पूर्ण करते हुए जितनी जल्दी हो सकेगा चुनाव आयोग को मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से ये सिफारिश करेगा कि जल्द से जल्द ये चुनाव हो। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग कल कह रहा था, जब बात हुई है उनसे, तो उनका ये कहना था कि आपने जो अध्यादेश लेकर आए वो अध्यादेश आपने वापस ले लिया, अब अध्यादेश वापस ले लिया तो स्थिति 2019 की हो गई है, तो चुनाव इस पर होंगे या फिर 14 पर होंगे या कुछ और नया? देखिए मनोज जी, ये विधिक विशेषज्ञों से सारी राय ली जाएगी और विधिक विशेषज्ञों के मुताबिक ही यह सारी चीजें लीगल तरीके से पूरी तरह वैधानिक तरीके से चुनाव किए जाएंगे। और चूंकि 2019 का जो परिसीमन था वो त्रुटि भरा परिसीमन था, उसमें हजारों हजार आपत्तियां लगी थी, 1200 पंचायतों को बढ़ाने घटाने का काम किया था, ना भूतों ना भविष्य थी। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक की परिसीमन हो और 1200 पंचायतों को, इतिहास में तो ये भी नहीं हुआ था कि इस तरह चुनाव को निरस्त करवाना पड़ेगा, ये भी इतिहास ही बना है, ये नया इतिहास है। देखिए ये इसके पीछे पूरा कांग्रेस की कारस्तानी है मनोज जी। जब कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग के फेवर में कोर्ट में जाना चाहिए था, जब उनकी सरकार थी तब गए नहीं, जब उनको नहीं जाना चाहिए था, चुनाव होने देना चाहिए थे, तब उन्होंने जाकर चुनाव को रुकवाने का काम किया। तो इसका कारण पूरा कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान मिले, उनको उचित स्थान मिले, इस कारण से कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के ये पीठ पर चूड़ा घोपने का काम किया है। चलिए दिनेश जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, दोनों दलों को आप सुन रहे हैं, अब किसने किसको चुरा घोंपा क्या हुआ ये अलग मुद्दा है, लेकिन लोग तो इंतजार कर रहे थे चुनाव का। पर अब इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि एक राजनीतिक नया घटनाक्रम मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो बना हुआ था बीते 15-20 दिन से, आगे भी दिखाई देगा। अब क्या दोनों दल इसी को समझाने का प्रयास करेंगे, जाएंगे फील्ड में और यही समझाने का एक नया काम मिल गया दोनों दलों को कि जाएं साहब हमने ऐसा नहीं किया, साहब हमने ऐसा नहीं किया, और इसकी राजनीतिक क्या नफे नुकसान दिखाई देते, क्या नजर आता है आपको फील्ड में? देखिए मनोज जी, वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला किस पर्पज से गया था और चुनाव क्यों निरस्त हुए, इसको अब बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस परिसीमन को निरस्त किया गया था वो यदि रिवाइव हो गया है तो कितनी पंचायतें बढ़ेंगी, कितनी घटेंगी, कितनी जो है नगर पंचायतें नहीं रहेंगी, ये सब एक अलग विषय है। तो राजनीति जितनी होनी थी
वो राजनीति हो चुकी है और जिस स्टेज स्टेज पर राजनीतिक दल पहुंचे हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए ये है कि ना तुम जीते हो ना हम जीते हैं। क्योंकि जो रास्ता निकाला गया है वो रास्ता लोकतांत्रिक कतई नहीं हो सकता। वो रास्ता जो है एक ऐसा ऐसे दरवाजे को खोल रहा है जिसमें हमेशा चुनाव प्रक्रिया पर एक तलवार लटकी रहेगी कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी लोग ये सोचेंगे कि वोटिंग करना है कि नहीं करना है। हमने फॉर्म तो भर दिया है, नॉमिनेशन हो गया है, प्रचार हो गया है, लेकिन इस तरह से चुनाव रोकना बीच में जो है ये पूरा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। जब चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने की थी या सरकार ने जब अध्यादेश निरस्त किया था और लगातार 15 दिन से जो है वो ये कह रही है कि ये जो परिसीमन है ये व्यवहारिक नहीं था, तो आपको उसको अब जो है रिवाइव करने की क्या आवश्यकता थी? आप जो है ओबीसी आरक्षण तो बहाना है ना, आप जो है उसको रोक नहीं रहा था तो इसलिए आज चुनाव को नहीं कराना चाहते थे, तो किसी ना किसी बहाने दोनों राजनीतिक दलों ने रोक दिया। अब ये जो है इतना जो वोटर है हमारा वो इतना नादान और मासूम नहीं है कि उसे ये समझाने की आवश्यकता हो कि ये किसके कारण हुआ। इतने सालों से ओबीसी आरक्षण यथावत चल रहा था, महाराष्ट्र के मामले में तो कांग्रेस ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया होगा, जिस महाराष्ट्र के मामले की जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के विवेक और उनके निर्णय पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी अब जो पूरा मामला है वो सब जुडिस है। उस सब जुडिस मामले पर आगे क्या होगा, किस तरह की स्थितियां होगी या राजनीतिक लाभ की स्थिति 23 में बनेगी कि नहीं बनेगी, 23 तक फैसला होगा तब राजनीतिक लाभ हानि की स्थिति बनेगी, तो ये जो स्थितियां हैं कि कल और कल के बाद परसों परसों के बाद फिर कल ये इस तरह का चलता रहेगा तब तक ये मामला है बहुत नॉर्मल हो जाएगा और लोग शायद आरक्षण जो मिलेगा उसे स्वीकार कर लें। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव को नहीं भूल पाएंगे कि पंचायत चुनाव में हम चुनाव मैदान में उतरे थे और चुनाव को निरस्त करना पड़ा। जितेंद्र मिश्रा जी, आप सुन रहे थे सनवर पटेल जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि सब आपके कारण हुआ, आप कह रहे हैं उनके कारण हुआ। लेकिन एक अच्छा ये भी देखने को मिला कि जब बात विधानसभा में हुई तो आप दोनों ने उस संकल्प को सहमति से आगे बढ़ा दिया और उसके बाद ही फिर चीजें दिखाई दी। नहीं, क्या इसी तरह की सहमति आगे भी बनेगी? मनोज जी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर तरह की सहमति बनाने को विपक्ष तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव को रोकने की कारस्थानी कांग्रेस की है और हम चुनाव के स्थगन का स्वागत करते हैं। आप देखिए, उनकी बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की राजनीति कर रही है वो आपकी समझ में आना चाहिए। आज मनोज जी, इतना सारा पैसा, लाखों प्रत्याशियों का लाखों रुपए खर्च हो गया, उसको लेकर के इनके चेहरे पर शिकन नहीं है, इनके अंदर शर्म की जरा भी कोई बात नहीं है। इसके बाद ये देखिए दूसरी तरह के आरोप लगा रहे। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको सरकार के दबाव में काम नहीं करना था, उसको रोटेशन से लेकर परसीमन तक सारी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद चुनाव में जाना चाहिए था। दिनेश गुप्ता जी ने बिल्कुल सही बात कही कि आज चुनाव आयोग मजाक का विषय बन गया है, आज चुनाव विश्वास नहीं करेगा आने वाले समय में लोग कि चुनाव वोटिंग तक रुक पाएंगे या निरस्त करा दी जाएंगे। तो इसके पीछे अगर कोई कारण है तो सरकार की अपरिपक्वता है या फिर जानबूझकर साजिश है जिससे कि कहीं ना कहीं चुनाव टाले जा सके। आज मनोज जी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन जितेन जी, इस पूरे मुद्दे पर जो बार बार कांग्रेस कहती रही है कि सिर्फ इसलिए हुआ कि ना ही आप कोर्ट जाते, अब कोर्ट की जो याचिका है जिसका राज्य निर्वाचन आयोग ने हालांकि जिक्र किया अपने आदेश में, वो मनमोहन नागर का जिक्र किया, उन्होंने किसी और याचिका का जिक्र नहीं किया, 17 दिसंबर का जो मामला था उसका जिक्र उन्होंने किया, उसी को आधार भी बनाया। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश आदेश जारी किए तो उसमें यही था कि गवली केस का जिक्र हुआ, ना आप जाते जैसा कह रही है भारतीय जनता पार्टी, ना ही चुनाव टलते, तो हो सकता है। मनोज जी, मनोज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे देखिए मनोज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है इसको समझने की जरूरत है। आज खामियों के साथ चुनाव में जाएं, आज कमियों के साथ चुनाव में जाएं, आज आप पूर्वाग्रह के साथ चुनाव में जाएं और ये कहें कि आप कोर्ट ना जाते तो चुनाव संपन्न हो जाते। अरे, इस आधी अधूरी प्रक्रिया के तहत कौन कोर्ट नहीं जाता? हमने तो कहा था कि हम इसके बावजूद चुनाव में जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष नरसिंहपुर संदीप पटेल याचिका करता है, अकेला मनमोहन नगर नहीं है, इसमें 50 लोग याचिका करता में है जिसमें भारतीय जनता पार्टी। जवाब दे दीजिए जल्दी।
संदीप पटेल इनका जिला पंचायत अध्यक्ष याचिका करता है जिसका की जिक्र चुनाव आयोग ने भले ही नहीं किया। विवेक तनखा जी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आपको बताऊं सनवर जी, सनवर जी विवेक तनखा एक वकील भी है, राम जेठमलानी आपका कार्यकर्ता था और आतंकवादियों का केस लड़ता था, जब आप अपने आप को उससे क्यों नहीं जोड़ पाते थे? और सैयद जाफर कौन है? अरे संदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष नरसिंहपुर है जो याचिका करता है इसी बात की। देखिए दर्शकों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, राम जेठमलानी आतंकवादियों का केस लड़ता है जब वो आपका कार्यकर्ता नहीं रहता। विवेक तनखा स्वतंत्र वकील है, उनका अपना व्यवसाय है, वो किसी की मदद करने के लिए कोर्ट में खड़ा हो सकता है। आगे आए कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो पिछड़ गए हैं उनका उदय हो। ये तो स्पष्ट हो गया है कि आप नहीं चाहते, ये तो स्पष्ट हुआ है आप नहीं चाहते। एक और कलंक आपके माथे पर है, आपने चुनाव आयोग को अपने विभाग बना के रख दिया। चलिए मैं जितेंद्र जी मुझे टाइम दीजिए, जितेंद्र जी सनवर जी बस इतना बता दीजिए कि आगे जैसा कह रहे हैं भूपेन जी कि हम जाएंगे, क्या दो चार महीने तो कम से कम इंतजार करना ही पड़ेगा जो दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से मनोज जी, जब चुनाव निरस्त हुए हैं तो दोबारा चुनाव भी होंगे और मध्यप्रदेश शासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये चुनाव हो और मध्यप्रदेश शासन पूरा प्रयास करके शीघ्रता से चुनाव होने हो इस बात का पूरा पूरा प्रयास करेगा और जल्दी हमारे बीच में चुनाव होंगे। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है वो सदैव चुनाव से भागने की रही है, चाहे वो मुख्य चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, चाहे ये पंचायत चुनाव हो। दिनेश सर, जो 27% आरक्षण की बात हुई है, अब बात वही आगे बढ़ेगी, क्या होगा कोर्ट में आपने भी कहा उस पर निगाह बनी रहेगी, लेकिन सवाल यही है जो 27% की बात कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस, क्या ये संभव आगे हो पाएगा यदि हम तकनीकी रूप से बात करें, जितना आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा? देखिए मनोज जी, हम कोर्ट के विवेक पर कोई अनुमान नहीं लगा सकते। जी जी, क्योंकि वो बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, क्योंकि ये भी देखते हैं कि लोकसभा विधानसभाओं में इस तरह का कोई आरक्षण नहीं है। पंचायती राज की जो कल्पना की गई थी, परिकल्पना 73वें संविधान संशोधन में, उसमें भी इस तरह के आरक्षण की कोई कल्पना नहीं की गई। तो बहुत सारे विषयों पर वो देखती है, लेकिन अभी तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिस जो है परिसीमन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था और उसको फिर रिवाइव कर दिया, क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के मसले के डिसाइड होने के बाद ये 2019 की स्थिति बरकरार रहेगी, या सरकार किसी नए आरक्षण पर चली जाएगी, नए रोटेशन पर चली जाएगी? क्योंकि ये एक बार कोई जो है मर्यादा टूटती है तो उसके बाद हम अनुमान नहीं लगा सकते क्या आप अपने राजनीतिक लाभ हानि के लिए किस तरह की जो है आप कदम उठाते हैं, किस तरह के निर्णय लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि सरकार जो है सोच विचार कर फैसला नहीं करती, राजनीतिक हित अहित को ध्यान में रखकर फैसला ले रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सनवर पटेल जी आपका, जितेंद्र मिश्रा जी और दिनेश गुप्ता सर। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बनी हुई थी, अब उस पर तो विराम लग गया है कि अभी हाल में पंचायत के चुनाव तो नहीं होंगे, अब इंतजार कितना होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया, सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह साफ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कह रहे हैं कि बिना 27% आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। लेकिन प्रक्रिया अब थोड़ी सी जटिल भी है, क्योंकि चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई तरह की बातें कही जाएंगे, कई साक्ष्य रखे जाएंगे, अलग अलग केंद्र की तरफ से बात रखी जाएगी, राज्य की तरफ से बात रखी जाएगी, तो इंतजार भी लंबा हो सकता है। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए और उसके बाद चुनाव निरस्त हो। नजरें बनी रहेगी कि 27% आरक्षण का लाभ जब भी चुनाव होंगे ओबीसी को मिलेगा। पहली एक बार पहली बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसलीज पर। नमस्कार।